खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले सदन में हंगामा किया, वॉकआउट कर बाहर निकल आए, बाद में गांधी प्रतिमा से मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन के बीच पटना पुलिस ने पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले छोड़े। बवाल के बीच एक बीजेपी नेता की मौत भी हो गई। बीजेपी नेताओं का कहना कि पटना के डाकबंगला चौराहे पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। लाठी चार्ज में जहानाबाद नगर में बीजेपी के महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हुई। पुलिस लाठी चार्ज में विजय घायल हो गए थे, उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद राजनीति गर्मा हुई है। मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश सरकार को घेरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, नड्डा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पटना का लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा। महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है उसको बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता तक भूल गए हैं। आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए। नीतीश जी और तेजस्वी जी के गुलाम हैं, उनको नजर नहीं आएगा। पटना के जो भी डीएम हैं, वह सुन ले, या अगर आप इतनी तरह से अंधी आंखों से देखेंगे जिस प्रकार से अंधी आंखों से तेजस्वी जी और नीतीश जी देख रहे हैं, तो बिहार की जनता आपके इस आका दोनों को, नीतीश को और तेजस्वी को समझाने वाला है। विजय सिंह की आज आहुति बेकार नहीं जाएगा। बिहार में हम लोगों के हक की और अधिकार की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ती रहेगी। बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पुलिस के खिलाफ हत्या का आरोप हम दर्ज कराएंगे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमारा एक कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह जो जहानाबाद का जिला महामंत्री है, उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि अस्पताल पहुंचे पहुंचे उसकी मौत हो गई। हम पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे और ये सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। ये 50,000 लोग थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ना कहीं तोड़ फोड़ थी, ना कोई हिंसा थी। उसके बाद आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, लाठी चार्ज किया गया और 2 दर्जन से ज्यादा हमारी महिला और युवा कार्यकर्ता घायल हो गए। लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो नीतीश जी के आपके राय में प्रदर्शन करना भी गुनाह है। हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे, चाहे वो शिक्षक कर्मियों का मामला हो या तेजस्वी के इस्तीफे का मामला हो या लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो। अपनी मांग से हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी हम लोग गिरफ्त करके और किसी थाने पर ले जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज पर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोई बदला नहीं लिया गया। शिक्षा के मामले पर सभी लोगों को बुलाकर बात कर ली गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कई मामलों की शिकायतें आती हैं, जो भी शिक्षकों की शिकायत होगी उन्हें जरूर सुना जाएगा। बात स्पष्ट हो गई है कि मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया, हम लोगों ने भी कहा है कि जब सदन खत्म हो जाएगा तो इसके बाद जितने भी शिक्षक नेता हैं सब लोगों को बुला करके बात होगी, वो तो बात स्पष्ट हो गई है। लेकिन कौन ये बात कह रहे हैं, ये बात समझने की जरूरत है। ये लोग रोजगार मांग रहे हैं 10 लाख की, तो बताए ना भाई कौन सा ऐसा राज्य है देश में जहाँ 3 लाख से भी ज्यादा विज्ञापन जो है सरकारी नौकरी के लिए निकाली गई है, इसका कोई जवाब दे दे। और हम तो कह रहे हैं कि हम अपने शासन काल में रहते रहते 10 लाख तो पूरा कर ही लेंगे, लेकिन ये 2 करोड़ का हिसाब देना है, महंगाई का हिसाब दे। तो सारे शिक्षक संगठनों से हमारी भी बात हुई और यहाँ तो आज तो कोई शामिल भी नहीं था उसमें, ये तो बेकार का हुड़दंग कर रहे हैं। 18 साल तक कौन था यहाँ सरकार में? अरे हम तो, अरे मेरा जवाब दीजिए ना, ये कौन था? ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब ना राज्य की तब बाली काली गई, तब जो है राजकीय वो दिया जा रहा है। और कोई छोटी मोटी जो शिकायत होगी, संवाद कर रहे हैं हम, संवाद में जो उनकी शिकायत होगी सुनेंगे।